डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। 9 चैप्टर मुकम्मल हो गए, बस सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं, 10, 11 और 12। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हमारा 10वां चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की नोटें भी कंप्लीट होंगी, नहीं होंगी तो आप लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। 10वां चैप्टर आज देखेंगे जिसका नाम है बाजार प्रक्रिया संचालन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले एक बात जो मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम तो 11वीं में ओसी फिर भी थोड़ा देख कर आए हैं, है ना। तो जदीद दौर में जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसको बाज़ार का राजा बना दिया गया है ना। क्योंकि हर एक इदारा, पीढ़ी, व्यापारी अपने माल या खिदमत के जरिए ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने का सोचते, कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करने का सोचते। सनअती इनकलाब की वजह से पैदावार झड़प से बढ़ती है, बराबर, जिससे जो कस्टमर्स की ज़रूरतें हैं वो भी आसानी से पूरी हो जाती है। नतीजतन क्या हुआ, जो व्यापारी है, जो पैदावार करने वाले हैं, वो नई नई चीज़ें बाज़ार में रखते गए। अब जितनी नई नई चीज़ें बाज़ार में आती गई, उतना जो उत्पादक है यानी कि जो पैदावार करने वाले, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ती गई। अब अगर टेक्नोलॉजी इनकलाब की अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी इनकलाब में इतना इजाफा हुआ कि अब वो जो सामान है, अब उसके अंदर भी विविधता आ गई, उसके अंदर भी सब अलग अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है, कलर अलग होता है, डिज़ाइन अलग होती है, पता नहीं क्या क्या है ना। तो इस तरीके से हर एक पीढ़ी, हर एक इदारा ये चाहता है कि वो नई नई तहकीकें करे और ग्राहकों को, कस्टमर्स को नई नई प्रोडक्ट और खिदमत दे। अब मार्केटिंग प्रोसेस यानी क्या, बाजार प्रक्रिया यानी क्या, बाजार प्रक्रिया में हर काम किस तरीके से किया जाता है, कैपेबिलिटी के साथ, बिल्कुल हर एक नया नया और एकदम इफेक्टिव, असरकारक, बराबर। कि भाई अब तो कैसा हो गया है, आपको पता होगा कि बहुत जगह पे, इवन आप देखो बहुत सारे चिकन की दुकानों पे भी लिखा हुआ होता है कि होम डिलीवरी फ्री में करवा माउस, कि भाई 3 किलोमीटर के अंदर, कि भाई 2 किलोमीटर के अंदर, कि 5 किलोमीटर के अंदर, बराबर। ये सब क्या है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं कि आपको फ्री होम डिलीवरी या फिर आपको इतने प्रतिशत डिस्काउंट वगैरह वगैरह। अब जो इंसान का ज़िंदगी जीने का तरीका है और जो नज़रिया है, उसमें बदलाव आया तो उसकी ज़रूरतों में भी बदलाव आया, और उसकी इस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही जो बाज़ार है वो बैठा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जो पैदावार करने वाली पेढ़ियाँ है, जो खिदमत देने वाले इदारे हैं, ये सब पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं ऐसा कि भाई ग्राहकों को कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, बराबर। और फिर वो उस सामान का, उस माल का प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं आपको एक मिसाल दूँ कि आपने देखा होगा कि ठंडी में अपने यहाँ पे, अगर हम सूरत की बात करें तो अपने यहाँ पे स्वेटर्स का बाज़ार लगता है गांधीबाग के पास, तो कितना बड़ा बाज़ार लगता है हम देखते हैं कि दूसरी रियासत से यहाँ पर लोग बेचने के लिए आते हैं, बराबर। तो क्या वो ठंडी लगती है तब बनाने बैठते हैं स्वेटर शाल? नहीं, वो स्वेटर शाल जैकेट कब से बनाना स्टार्ट कर देते होंगे, यहाँ से वो जैसे जाते होंगे उनका बाज़ार समेट कर किसी और जगह पर जाते होंगे, बराबर, वहाँ से उनका बाज़ार समेटते होंगे, वैसे ही वो लोग अपनी प्रोडक्शन, अपनी पैदावार स्टार्ट कर देते होंगे, या फिर ठंड शुरू होने के 1-2 महीना पहले, 4 महीने पहले, उनके हिसाब से कि उसकी तादाद कितनी है उनकी प्रोडक्शन की, उसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन शुरू कर देते होंगे। तो यानी तुम देखो कि ग्राहक की ज़रूरतों को, कस्टमर्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो मार्केट है वो कितना रेडी बैठा हुआ है ना, कि वो अपनी तैयारी 1 महीने पहले से, 2 महीने पहले से, 4 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम तारीफ़ देखें मार्केटिंग की, तो
अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के मुताबिक मार्केट यानी क्या के मार्केटिंग એટલે કે એક એવી ધંધા કે પ્રવૃત્તિ કે જેમાં માલ કે સેવાનો પ્રકાર ઉત્પાદક તરફથી ગ્રાહક તરફ વાળવામાં આવે છે. દેખો ઇન્હોને ક્યા કહા अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कि भाई मार्केटिंग यानी एक ऐसी कारोबारी सरगर्मी कि जिसके जरिए माल या खिदमात पैदावार करने वाले की तरफ से कस्टमर्स को दिया जाता है. लो कितनी होशियारी से दिया जाता है, कितनी समझदारी से दिया जाता है ना, कितनी पब्लिसिटी की जाती है उसकी, कितना आपको डिस्काउंट दिया जाता है, किस तरीके से उसको पैक किया जाता है, किस तरीके से आप तक पहुँचाया जाता है. वो आप देखो उनकी स्ट्रेटेजी कि वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं. मैनेजमेंट बोलते किसको है, मैनेजमेंट उसी को तो बोलते हैं कि वो सिर्फ आपने प्रोडक्शन रेडी कर ली तो आप व्यापारी बन गए, तो आप मैनेजर बन गए. नहीं, आपने प्रोडक्शन तो कर ली, अब आप उसकी सेलिंग किस तरीके से करोगे, आप उसकी पब्लिसिटी किस तरीके से करोगे, आप उस पर नफ़ा किस तरीके से कमाओगे. नफ़ा हासिल हो जाने के बाद, पैसे मिल जाने के बाद हम उस पैसों को री इन्वेस्ट कैसे करेंगे, यही सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट में सीखते हैं, है ना. श्री कपूर और आइको बुकी नाम के दो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मार्केटिंग क्या है. मार्केटिंग कस्टमर्स और पेड़ियों के बीच में आपस में होने वाला विनिमय है, यानी कि लेन देन है. श्री स्टेंट ने भी यही कहा कि ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनसूबे बनाना, उसकी कीमत तय करना, उसको बाज़ार में डालना, उसकी पब्लिसिटी करना, उसको ग्राहक तक उसके वक्त पर और उसकी जगह पर पहुंचा कर देना, इसको उन्होंने मार्केटिंग कहा. अब बाजार प्रक्रिया ना कार्यों, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस. तो अगर हम इसके काम देखें मार्केटिंग प्रोसेस के, तो टोटल 15 काम हैं बराबर, जिसमें से हम सबसे पहला काम देखेंगे, जिसमें मार्केटिंग प्रोसेस का सबसे पहला काम देखेंगे बाजार या संशोधन, बराबर. अब बाजार या संशोधन यानी क्या कि अगर आप मार्केटिंग करते हो ना, तो बाज़ार में तहकीक करना आपका पहला काम है. क्या तहकीक करना कि ग्राहक की डिमांड कितनी है, हमारे माल की हम कीमत कितनी रखेंगे, बराबर, कंपटीशन कितना चल रहा है मार्केट में, हमारे कस्टमर्स को हम माल बेचने के बाद कौन कौन सी सहूलतें फरहम कर पाएंगे, इन सारी बातों की तहकीक करनी होगी, इनका अंदाज़ा लगाना होगा. हमें प्रोडक्शन के दरमियान कौन कौन से खतरात पेश आ सकते हैं, हमें प्रोडक्शन के बाद कौन कौन से खतरात पेश आ सकते हैं, हमारे माल की सेलिंग होगी या नहीं होगी, तो कितनी होगी, कम होगी तो क्या करेंगे, ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, इन सारे सवाल के जवाब आपको कब मिलेंगे, जब आप बाज़ार की तहकीक करोगे तब मिलेंगे. उसके बाद हमारा दूसरा काम आता है माल नु एकत्रीकरण. कभी कभी कैसा होता है ना कि माल अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह पर पैदावार होती है माल की. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी शूज़ बनाने की फैक्ट्री है, बराबर, तो हो सकता है कि लेदर के जो आपके शूज़ है वो एक अलग ब्रांच में बनते हैं आपके, बराबर, जो चमड़े के होते हैं वो एक अलग ब्रांच में बनते हैं आपके. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अलग अलग ब्रांचेस पर जाकर अपने सारे माल को एकत्रीकरण यानी इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना. क्योंकि माल इकट्ठा करोगे तभी तो आप किसी को सैंपल बता पाओगे, तभी तो आप उसको आपने क्या प्रोडक्शन किया ये बता पाओगे, तभी तो आप उसको अपना माल बेच पाओगे, तभी तो आप आपके माल की पब्लिसिटी कर पाओगे. तो माल को जमा करना इसका दूसरा काम है. तीसरा, माल ने वपराश लायक बना हुआ. कभी कभी कैसा होता है ना कि माल आप प्रोडक्शन उसकी प्रोडक्शन आपने कर ली, पैदावार कर ली, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि वापरने के लायक नहीं होता, तो उसको वापरने लायक भी बनाना पड़ता है. जैसे अगर अनाज की मैं बात करूँ तो किसान क्या करता है, अनाज को निकाल लेता है, उसकी कापणी कर लेता है, उसके बाद उसको साफ सूफ भी तो करना होता है. फिर अगर फल देखे जाए तो फल को पकाना होता है, क्योंकि कच्चे फ्रूट्स वो कैसे मार्केट में ले आएंगे, है ना. उसके बाद चौथा काम है माल नु प्रमाणीकरण अने वर्गीकरण, यानी हमको हमारे माल की क्वालिटी भी देखना पड़ेगी और क्वालिटी के हिसाब से
उसको अलग अलग श्रेणियों में रखना पड़ेगा। उनका कद कितना है, कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, गंध, स्वाद, इसमें पोषक तत्व कितने हैं, बराबर। याद रखना, भारत में अगर खेत पैदाश की चीज़ें हैं, यानी खेत में पैदा हुई चीज़ें हैं, तो उसका वर्गीकरण, यानी उसको तकसीम करने का काम केंद्र सरकार का बाजार खाता करता है, जिसको BIS, भारतीय प्रमाण संस्था कहा जाता है। इसके बाद पांचवा काम है माल पर निशानी करवे। ब्रांडेड चीज़ें आपने सुनी होगी, ब्रांडेड, बराबर। ये ब्रांडेड चीज़ें कैसी होती है, इनका एक नाम होता है, या इनकी कोई निशानी होती है, इनका कोई नंबर होता है, या कोई इनका चित्र, ऐसा कोई फोटो वगैरह होता है, जिससे हम इस ब्रांड को इजीली पहचान सकते हैं कि ये इस ब्रांड का है। जैसे आप आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि मैंने कुछ ब्रांड्स की फोटो यहाँ पर रखी हुई है, उनकी निशानियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। इसके बाद छठा टॉपिक आता है कीमत निर्धारण। अब आपने आपके माल की पैदावार कर ली, उसके ऊपर कितना खर्च होगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, फिर आपको क्या करना पड़ता है, माल का पैदावार खर्चा, माल का पैकिंग, उसका बीमा, उसको तकसीम करना, उसकी पब्लिसिटी वगैरह का खर्चा आपको जोड़ना होता है, बराबर। तब जाकर आप उसकी पड़तर कीमत हासिल कर पाओगे। अब आपको पड़तर कीमत मिल गई उसकी, फिर आपको यह मुकर्रर करना पड़ेगा कि मुझे नफ़ा कितना चाहिए और इस सामान को मैं मार्केट में कितने में बेचूंगा या बेचूंगी। इसके बाद हमारा सातवां टॉपिक है माल लूँ पैकिंग करूँ। इंशाल्लाह हम हमारा सातवां टॉपिक हमारे आने वाले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हमारे आने वाले सेशन में 7 से लेके 15 तक के जितने टॉपिक हैं वो सब देखेंगे। तब तक आप ये 6 टॉपिक का अच्छे से मुआयना करना, इनकी अच्छे से स्टडी कर लेना।